छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ एक बड़ा घोटाला मामला सामने आया है। भूपेश बघेल जमीन से संबंधित एक घोटाले में फंसने वाले हैं। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एक बड़ा घोटाला मामला सामने आया है। गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। और अब सबसे मुश्किल बात तो ये है कि हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही आर्थिक अपराध अन्वेषण इकाई यानी कि EOW और राज्य शासन को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बघेल के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1995 में भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए थे। उस वक्त बघेल ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भिलाई अरपा साड़ा में अपनी पत्नी और मां के नाम जमीन आवंटन के लिए आवेदन लगाया था। अरपा साड़ा के इंजीनियरों ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए EWUS के लिए आरक्षित 2 भूखंड को चिन्हित किया और 4,000 स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन मुख्यमंत्री बघेल की माँ और पत्नी के नाम पर कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार जो जमीन भूपेश बघेल की माँ और पत्नी के नाम की गई, वो गरीबों के लिए आरक्षित की गई थी। ऐसे में जमीन आवंटन की जानकारी के बाद EOW में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद शिकायत को सही पाते हुए आवेदनकर्ताओं के विरुद्ध EWU ने FIR दर्ज की थी। अब भूपेश बघेल के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है और संबंधित विभागों से जमीन के दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस जारी भी किया है। अगर भूपेश बघेल को दोषी ठहराया जाता है तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है और फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस के भीतर कई गुट बने हुए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री चुनने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता TS सिंहदेव ने बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस आलाकमान ने बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद कुछ समय के लिए पार्टी में शांति छा गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से बघेल के खिलाफ फिर से आवाज उठने लगी है और अगर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो बघेल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर पहले भी कुछ आरोप लगे हैं। जमीन घोटाले में फंसने के बाद पार्टी के अंदर उनकी स्थिति कमजोर होगी और फिर मुख्यमंत्री के दूसरे दावेदार उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।